today, and this is such a wonderful thing. You know, we have such wonderful talent singers all out there. And he's actually giving them this wonderful chance to come up, show their talent to the people, to the students who are here, to fraternity, and to the audience. So it's a lovely thing. Thank you.
वॉट एवर ही डज इट इन स्टाइल एंड ये बहुत बड़ी चीज़ है. बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे शोज़ होते हैं. इनफैक्ट मैं अभी राजस्थान में इस तरह का एक शो करके आ रही हूँ, लेकिन अपने पैशन के साथ और इस तरह से नए बच्चों के साथ उनको एक प्लेटफॉर्म देना और इंडस्ट्री के सारे लोगों को बुलाना और टू बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दीज किड्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है. कैलाश जी, ऑल द बेस्ट. मे ऑल दीज किड्स सी ऑल द सक्सेस. थैंक यू. बस वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ यहाँ पे कोई किसी को प्रमोट करता नहीं, कोई भी नहीं करता है. आई हैव सीन बिगेस्ट ऑफ सिंगर्स, लेकिन बट कैलाश इज डूइंग दिस इज अ ग्रेट थिंग एंड आई थिंक दिस इज द एट्थ ईयर. 8 साल से ये चल रहा है एंड ये अपना इट इज़ हिज पर्सनल इंटरेस्ट दैट ही प्रमोट्स दीज न्यू सिंगर्स. इट्स अ ग्रेट थिंग. ऑल द बेस्ट टू ऑल द सिंगर्स एंड कैलाश. नई उड़ान एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे अपकमिंग टैलेंट को, आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है. एंड आई बिलीव देयर ऑल कैलाश केस प्रोडिजीज. सो आई एम रियली एक्साइटेड. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस शो और उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए, ताकि मुझे हमेशा खोज रहती है ऐसे म्यूजिशियंस की, आर्टिस्ट की, जिनके साथ मैं भी कोलैबोरेट कर सकूँ. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म. और आज मैं भी बहुत खुश हूँ, बिकॉज मेरा एक नया सॉन्ग रिलीज़ हुआ है मीत ब्रदर्स के साथ, हीर है रोई. सो आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, तो आज इसी को नई उड़ान के साथ ही मैं सेलिब्रेट करूँगी. हाँ, आई थिंक कैलाश जी और मेरा जो बॉलीवुड का करियर है, मैं आप सबको बताना चाहूँगी, वो साथ में शुरू हुआ था. फिल्म वैसा भी होता है पार्ट टू में, जहाँ पे उन्होंने अल्लाह के बंदे गाया था और मैंने सजना आ भी जा गाया था. और मेरा फेवरेट सॉन्ग उस फिल्म का अल्लाह के बंदे था. एंड ऑफ कोर्स आई नो दैट कैलाश जी आल्सो लव माय सॉन्ग सजना आबिजा. सो आई विल सिंग माय सॉन्ग सजना आबिजा फॉर कैलाश जी. नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा हाय, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा सजना. जी बहुत ही प्यार मिला लोगों का, बहुत ही प्यार मिल रहा है. और जब भी आप कुछ नया करते हैं तो नया करने में बहुत सारे संदेह होते हैं, संशय होते हैं, डाउट्स होते हैं, पता नहीं ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं. और ख़ास तौर से तब जब आप नेकी करते हो, जब आप भलाई के कार्य करते हो, जब आप समाज में कुछ नया ऐसा कार्य करते हो जिससे समाज को इंस्पायर कर सकें, समाज को प्रेरणा दे सकें, उसमें बड़े रिस्क होते हैं. क्यों? क्योंकि कुछ बुराई आप करें तो 4 लोग आपके साथ हो लेंगे, लेकिन भलाई के काम जब आप करें तो बहुत सारे पहले निंदक आते हैं. अच्छी बात है निंदक आना, परंतु भगवान की हम पर अनंत कृपा हुई है कि हमारे इस नेक काम में हमारे दर्शकों का, हमारे प्रशंसकों का, हमारे फैंस का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है. और देखते ही देखते नई उड़ान अपनी एक अलग तरीके से स्तर पे बढ़ रहा है. मतलब ये समझिए कि इस साल तो इतनी सारी चीज़ें हुई कि हम किसको चुने, किसको न चुने, किसको सुने, किसको न सुने, ऐसा हो गया. तो जब आपका दायरा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए आप पर भगवान की कृपा बढ़ रही है. वैसे तो देखिए बहुत सारे रत्न हमको मिले हैं और धीरे धीरे वो आपके भी चहेते हो गए हैं, उनके खुद के फॉलोअर्स आप जैसे बहुत हो गए हैं. लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए भंडारा शुरू किया, 1000 लोगों के लिए आपने भोजन की व्यवस्था की, वही 1000 के करीब का तो मैंने काम कर लिया है. आ गए 2000,
तो 2000 को भी आप ऐसे तो भेजेंगे नहीं खाली। तो भगवान की कृपा ये है कि इतने टैलेंट आ रहे हैं, तो देखते ही देखते हम एक दो को फेवरेट बोलने की बजाय अब 20 या 30 कम से कम हमारे फेवरेट हो चुके हैं, और उनके अपने भी फॉलोइंग हो रही है, अपने उनके एल्बम्स बन रहे हैं। क्या होता है कि नॉन फिल्म म्यूजिक में और फिल्म म्यूजिक में बहुत तगड़ा गैप है, तगड़ा इतना कि फिल्म का गाना एक किसी के हिस्से में आ जाए और बेचारे ने नॉन फिल्मी 100 गा रखे हों, 100 की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अचानक उसका फिल्म में आना एक बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिल्म की दुनिया अलग है। इसीलिए हमारा जो ये मिशन है, ये नॉन फिल्म म्यूजिक को भी उतनी ही इज्जत के साथ लेके चलें, इसलिए इन कलाकारों को और मान मिलना चाहिए और प्यार मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है आप लोगों से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इन्होंने इसका आरंभ किया था, तब से ही मैं इसको देख रहा हूँ, इनके प्रयासों को सराहना कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पहले तो ये विचार मन में आना कि उड़ान को, क्यों उड़ान के पास पंख अपने होते हैं, लेकिन जैसे ना विंड बीनीथ द एयर बीनीथ द विंड, वो जो उसको एक इसे कहते हैं एक पुश चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो संयोग से इनके मन में ऐसी भावना उपजी और उन्होंने इस विचार को आगे रखा। बट दैट इज़ नॉट ऑल्सो फ्लैश इन द पैन कि एक बार हो गया और उसके बाद उससे कुछ लोकप्रियता मिल गई और आगे बढ़ गए, जो अक्सर हम देखते हैं। तो दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने इसको सस्टेन किया और उस उद्देश्य को भूले नहीं जिस उद्देश्य से इन्होंने इसको शुरू किया। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, और मैं चाहता हूँ कि इससे और भी लोग जुड़ें, और जो बच्चे आगे जा रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य बहुत आवश्यक है। हम लोगों को जो है आतुर हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, तो वो आतुरता ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में छोड़ दें। कैलाश खेर सब बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तपस्या भी चाहिए, संघर्ष भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए। मैं कहूँगा धैर्य रखें, और मेरी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा मैंने बताया अभी आपको कि फिल्म म्यूज़िक और नॉन फिल्म म्यूज़िक में बहुत गैप है, और भैया ने भी क्या गहरी बात बोली है। पद्मश्री प्रसून जोशी जी ने जब से ये प्रारंभ हुआ था नई उड़ान, तभी से मेरे साथ खड़े हैं बड़े भाई, बड़ा हमसाया, एक बहुत ही हिमालय की तरह हमारे साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह कि तुम आगे बढ़ो, हम साथ साथ चल रहे हैं, हमारा वरद हस्त तुम पर है। तो वैसा होना ये भी परम भाग्य है, वरना कितने लोग आ जाते हैं यहाँ इन्हीं शब्दों में अटके रह जाते हैं, हुज़ योर गॉड फादर, हुज़ योर गॉड मदर, हुज़ योर गॉड ब्रदर। यहाँ गॉड अपने परमात्मा मेरे महादेव हैं, उन्होंने अपने गण भेज दिए कि ये ला तेरा बड़ा भाई है, ये संभाल लेगा सब। इन्होंने हमको पग पग पर, उतार चढ़ाव सबके जीवन में बहुत आते हैं, यहाँ तो ईर्ष्या से भी कितनी सारी चीज़ें उगती हैं, परंतु उसमें भी जब कोई मेरुदंड बनकर आपके साथ खड़ा हो तो कितना प्यारा लगता है। ये हमारा प्रकल्प 2017 में प्रारंभ हुआ था, मेरे भैया तब से खड़े हैं। अच्छा, दिल्ली में हैं, इतने बिजी रहते हैं, विश्वाटन में रहते हैं, यात्राओं में रहते हैं। भैया बस आपको आना है, क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता नाइस टू मीट यू वाला नहीं है। हाय, नाइस टू मीट यू मैन, लेट्स कैच अप। हम लेट्स कैचअप वाले हैं ही नहीं, कैचअप तो आजकल बोतलों में मिल रहा है। तो भैया ने बोला कि हाँ, मैं शो के दिन दिख जाऊंगा। जैसे इन्होंने बोला तो अंदर तक तृप्ति थी कि अगर इनका मुख से बात आ गई तो ये होगा, क्योंकि बड़ों ने काढ़ी कार लिकड़ी पारंपा, अगर इनके मुख से निकल गई बात तो वो ब्रह्म वाक्य होता। तो ये हमारे साथ खड़े हैं, और ऐसे में साथ खड़ा होना ही शक्ति वर्धन होता है। देखिए, मैं कहता हूँ, कहते हैं गुड़ ना दे पर गुड़ जैसी बात दे थोड़ा, और यहाँ तो थोड़ा भी यदि सहारा कोई ऐसे आ जाए बड़ा बनकर अपने साथ में,
तो अपनी ठाड़ हो जाती है। तो एक और एक 11 की शक्ति हमारे भैया ने हमें हमेशा दी है। ये गुण की बात नहीं है, गुण की बात है। गुण की बात है। अगर गुण हो तो गुण मिल जाता है। और बच्चों के लिए आजकल के मैं ये कहता हूँ कि एक आसमा कम पड़ता है, एक आसमा कम पड़ता है, और आसमा मंगवा दो। ओह, एक आसमा कम पड़ता है और आसमा मंगवा दो। हैं बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंग वाले, बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। ओ मेरे दाता, आजी वाह, आजी वाह। कावड़ी आता था, आलू है, एक हाँ। भजन आपकी तरफ से एक लाइन बोले कावड़ियों के लिए। भोले चले बम 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 बम, भोले चले बम 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 बम। तारों की डार चले, हर हर पुकार चले, शंभु जय जयकार चले बम बम। ओम गुंजार चले, हूँ हूँ कार चले, चले बारंबार चले बम 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 बम। भोले चले बम 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 बम, भोले चले बम बम बोल बम बोल बम। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन कैलाश भाई जब चलते हैं तो अकेले ही चलते हैं, क्योंकि शिव जो हैं वो अपने भक्तों को इतना समर्थ कर देते हैं कि जब वो चलते हैं तो पूरे कारवां की तरह चलते हैं। तो ये जो नई उड़ान है, ख़ासतौर से जिसका आज 8वां एडिशन है कैलाश भाई, और जब भी हम कोई काम करने निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा हुजूम होता है, बहुत बड़ी संस्था होती है जो काम करती है किसी एक मिशन को लेके। लेकिन हम कैलाश भाई की ये खूबी है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। और अक्सर ऐसा होता है कि शिखर पर पहुंचकर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ये उन कम कलाकारों में है जो इतनी ऊँचाई पर, इतने शिखर पर, कैलाश की चोटी पर पहुंचकर भी ये अपने अंदर एक जज्बा जिंदा रखे हैं कि जो पीछे पीढ़ी आ रही है गायकों की, वो भी इनके बराबर आकर खड़ी हो सके। तो ये जो अपने बराबर जगह देने का एक बड़कपन है, ये कम कलाकारों में होता है और वो कैलाश भाई में है। तो मैं ये तमाम जो लोग यहाँ आए हैं अपने फ़न को लेकर, अपनी कला को लेकर, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनको कैलाश खेर जैसा, पद्मश्री कैलाश खेर जैसे मेंटोर मिल रहे हैं और ये नई उड़ान का प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां से उनकी एक नई उड़ान शुरू हो रही है। अच्छे, बहुत ही प्यारे कवि हैं, बहुत प्यारे साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, साधक हैं। इनके मुख से यदि ये बात आई है, क्योंकि गायकों ने पहले कभी गायक लॉन्च किए नहीं, संगीतकारों ने कभी पहले गायक ऐसे लॉन्च किए नहीं नॉन फिल्मी, और कभी ऐसा किसी ने किसी का हाथ पहले कभी थामा नहीं, तो ये एक परंपरा निकल पड़ेगी। मैं यही परमात्मा से बोलता हूँ, ईच वन टीच वन। अगर आप पढ़ जाएं तो किसी और को पढ़ाएं, आप छक जाएं तो किसी और को छकाएं, तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती। भंडारे कैसे अब चलते हैं हमारे यहाँ, परंपराएं कैसे बन गए भंडारों की, लंगर की, क्योंकि कहीं एक शुरू हुआ होगा। अच्छी बातों का प्रभाव होता है, प्रेरणाएं होती हैं, बस वो धीरे धीरे। आप देखिए विदेशों में भी, आप अंटार्कटिका में भी अगर कहीं मनुष्य रहते होंगे तो वहाँ भी कोई ना कोई हमारे संस्था के, हमारे परंपराओं के लोग पाए जाएंगे। पता लगा वहाँ भी कोई गुरुद्वारा बना है, वहाँ भी लंगर चल रहा है। तो दुनिया के हर कोने में जहाँ भी मानव गया है हमारे भारत का, वो अपनी मानव संस्कृति लेकर गया है, और इसी तरह से हम श्रृंखला बनाते हैं अच्छे कार्यों। Stage where they get to enhance their performances, and this is the 8th edition, and I'm sure there have been a lot of new talents and upcoming stars coming from Nayi Udaan, and I am also part of Kailash Ji's khoj, you guys can say. It's been 12 years. I started my journey with him on Rock On, and this Nayi Udaan
has given a lot of new artists and new talent, which I can say they are amazing, and they are from every part of India. Even I've seen there are a few from abroad as well. So it's an amazing thing, and it's a great concept and super thing for an artist, for an upcoming artist or an emerging artist. So much, and not to forget his roots, how he came to the industry, and वो जो दे रहे हैं सबको एक opportunity, वो सबको करना चाहिए. This is the sign of a great artist, जिसके वजह से हम हर साल आते हैं, almost हर साल आए हैं last 3-4 years से, and it's nice that you know we get to also see a lot of new talents, जो नए singers हैं, उनको एक platform मिलता है, हमको उनको देखने का मौका मिलता है. So I think, you know, it's a great occasion to be, and the 8th edition is, which is great. And also the Janam Din ka ye, how better to, you know, celebrate a birthday. Ek gana thodi na, ab ye sawal ab jawab nahi denge itne saalon baad, lekin yes, bahut sare gaane unke pasand hain hame. Wo ye gaane jo hai, I think ye wo reh jaane wale gaane for many generations. Be the way he sings, be the compositions, be the content जो गाए हैं, जो जिस तरह के गाने हैं वो I'm sure कि नए generation भी inspired होंगे कि ऐसे गाने बनाते रहे. Thank you so much.